मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग कनेश, उत्कर्ष, मयंक, वर्तिका, नेमन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्कूल्स, गुड मॉर्निंग कनेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जस गिव, भव्या गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, मैम संतोष गुड मॉर्निंग, हर परवीन गुड मॉर्निंग, कार्तिक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्कूल. यस गुड मॉर्निंग. सो यू आर गोइंग टू मीट अ वेरी वेरी एमिनेंट गेस्ट टुडे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मृदुल, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूल. थैंक यू निधि, सो हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस इन आवर जयहन सीरीज. वेलकम, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन हियर एंड लॉट्स आर जॉइनिंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो, हाउ इज एवरीबॉडी? वी आर फाइन. गुड मॉर्निंग मैम. We are fine. Ma'am, we are fine. Oh, all lovely. Right. Very, very nice. Good to see you all. How are you, ma'am? Special day. Yes. Special day. Let's begin now. So let me introduce you to schools first before I introduce our guest. All right, children. Schools is an ed tech startup recognized by the Government of India, helping schools, training institutes, and trainers. And this schools helps parents in searching, exploring, comparing multiple institutes, scheduling appointments with the schools. Schools is actively appointments and learning and knowledge development with blogs and webinars and events. And the CEO of schools is Srinivas ji. And on behalf of him, I welcome all the children, all the parents who are watching us. Many leaders from the education sector and other fields have participated in all our webinars. And especially this program, Fish Tank, is hugely popular. Our panelists have had a great opportunity to connect with our extensive parent community. And we'll take you a look on the schools page. वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस. एंड सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगीता जी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था. एंड शी इज वन पर्सन हु हैज हैड अ क्वेश्चन क्लाइंबिंग 7 समिट्स एंड शी इज द ओल्डेस्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. मेनी मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस संगीता जी. बहुत बहुत धन्यवाद. तो हमारा देश, हमारी सभ्यता, we are celebrating 75 years of our independence, Azadi ka Amrit Mahotsav. And what does India feel to you? What does the Tiranga mean to you? सबसे पहली बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इधर बुलाने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं स्कूल्स में, वो उसी टाइम पे उनको कोई ऐसे इंस्पिरेशन मिल जाए तो उनकी लाइफ ना आगे बढ़नी शुरू हो जाती है. और इंडिया इज नाउ अ सुपर पावर. उसमें इतने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, अभी कॉमनवेल्थ का भी रिसेंटली इतने सारे हमारे विनर्स हुए हैं. और आप सब के लिए भी ये बात बहुत ही अच्छी है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर जी सबको इतना आगे बढ़ने की कोशिश करवाते हैं वाया मोटिवेशन ऑफ गुड एनवायरमेंट, हमारी होलिस्टिक, हमारा योगा, हमारे स्कूल्स. और इंडिया मेरे लिए बहुत स्पेशल है. जब भी मैं क्लाइंबिंग जाती हूँ तो मैं अपना तिरंगा पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पे जाके लहराती हूँ. और वो जो ट्राई कलर है, इट मेक्स मी फील लाइक इंडिया इज नेवर आउट ऑफ मी. So I am India when I go abroad also. So this Tiranga is very very special. और अब जो recently उन्होंने घर में बोला कि हर घर में तिरंगा, वो भी कितनी अच्छी बात है कि हम उसको बार बार देख के ये सोचें कि we are India and we should be proud Indians. Absolutely. यहाँ कितने बच्चों ने आज तिरंगा फहराया अपने घरों में?
Why only 23? Why not the rest? उनको बोलो okay, अभी जाके okay, they're raising. कोई बच्चा बताना चाहेगा तिरंगा की क्या अहमियत है आपके लिए? What does the tiranga mean to you? Any child would like to participate and say before we start this lovely conversation? Yes, Himanshu. And there are three colors. Yes. And there are three colors. And there are three colors. Can you name them, children? There are three colors. First, saffron, white, green. Saffron, white, and green. And then fourth is blue also. Absolutely. Yes. Fourth is blue. And there is a chakra? Yes. Chakra. Ashoka chakra. Yes. Ma'am, there are four colors. Can I tell the meaning of these three colors? Absolutely. Please go ahead. Ma'am, the saffron color of Tiranga means it is ma'am ye shaurya ka prateek hai. Bilkul sahi. Aur phir aata hai white color. So white color dhairya shanti ka prateek hai. Beautiful. Yes. And just last we see the green color. वो ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है। ये हमारा तिरंगा हमें हमेशा आगे अग्रसर होने की सलाह देता है। As we say, India rising का क्या मतलब है? संगीता जी, can you tell us what propelled you to you know start your journey with the mountains? और mountains की क्या अहमियत थी आपकी लाइफ में बचपन से कि आपने ये कदम लिया? देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, जम्मू खासकर, और वहाँ पर the earliest small mountain that I climbed was going to वैष्णो देवी. टू वैष्णो देवी चले जाते थे हम लोग फ्रेंड्स के साथ, और वो सबसे ज्यादा ऊंचाई थी उस वक्त. पर जब ऊपर भी जाते थे तो दो चीजें मिलती थी, एक तो आप पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंचे हो, और दूसरी बात कि आप वैष्णो माता के दर्शन हुए हैं. तो ये जो माउंटेन्स है ये भी आपको यही सिखाते हैं कि आप में अंदर कितना साहस है. तो ये चीज मेरे साथ शुरू से अभी तक यही है कि जो साहस है वो सब अंदर है. तो माउंटेन्स की अहमियत भी है कि अगर कुछ भी करना है, ऊंचा जाना है, तो माउंटेन्स वर वन थिंग दैट स्टार्टेड माई जर्नी. कितने बच्चे बताएंगे यहाँ कि उन्हें माउंटेन्स के बारे में पता है? आप प्रिपेयर करके आए होंगे जरूर. कितने बच्चे की तमन्ना है, कितने बच्चों की तमन्ना है कि वो चढ़ेंगे कोई ना कोई पीक और माउंटेन? यस, आई हैव क्लाइम्ड वैष्णो देवी ट्वाइस. ओह वेरी गुड गुड गुड, सो स्वीट. एंड डू यू प्लान टू बिकम अ माउंटेनियर, एनी ऑफ यू? मैम, आई क्लाइम इन वैष्णो देवी. Like in Haridwar also. And have you been to any other mountain other than Vaishno Devi? Then ma'am is going to tell us about the seven summits, you know, that she has ventured to climb. Achha, yes. So aap sabko pata hai ki there are seven continents, or seven continents mein sabse zyada seven highest peaks hain. To main aapko batati hu. Let's start with माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो तो सबको पता है. माउंट एवरेस्ट इज इन एशिया. सो देन वी हैव माउंट एल्ब्रस व्हिच इज इन रशिया, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप, इट्स कॉल्ड माउंट एल्ब्रस. देन वी हैव माउंट कोजियस्को व्हिच इज इन ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में. देन वी हैव माउंट अकानकागुआ व्हिच इज इन साउथ अमेरिका. Then we have Mount Denali in North America. Then we have kitne ho gaye, Mount Kosciuszko, North America, South America, and we have Mount Vinson. Aapne sabne suna hoga about Antarctica, Mount Vinson in Antarctica. And yes. And the seventh one, can somebody tell me how many continents are there? Seven continents. कौन सा रह गया? ज्योग्राफी पढ़ी है, बताइए. बताइए. अफ्रीका.
Yes, Mount Kilimanjaro. So Mount Kilimanjaro in Africa is the seventh one, और वो मेरा सबसे पहले वाला mountain था. उसमें different flora और fauna है, और सबसे ऊपर peak में जाके it's a volcano crater and then there is snow. So that was my first mountain. और मैं आप सब बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आप जो aim करते हो life में वो सब कुछ पूरा हो जाता है. कभी ये नहीं सोचना कि अभी मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ, सिक्स में हूँ, ट्वेल्थ में हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता या कर सकती. आपके अंदर वो है, अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे आप किसी भी एज पे कर सकते हैं. और माउंट किलिमंजारो मैंने 47 ईयर्स की एज पे किया था. तालियां बज जाए इसके लिए. And Mount Everest at 53 years. जब तक आप सोचोगे ओह हमारे मम्मी पापा इतने ओल्डर हो गए और वो कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ पॉसिबल है. और इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इफ यू यूज इट. अपना इंडिया का तिरंगा हर जगह जाके लहराओ. वेदर यू आर टेकिंग कॉम्पिटिशन, वेदर यू आर गोइंग ऑन लिटिल पीक्स, छोटे छोटे अपने फ्लैग्स लेके जाया करो और वो आपके आपके लिए अचीवमेंट होगी. तो इसके लिए ट्रेनिंग क्या करनी पड़ेगी बच्चों की अगर बात करें, उसके बाद मैं आपसे आपकी ट्रेनिंग के बारे में पूछूंगी. इसके लिए क्या ट्रेनिंग इनको करनी चाहिए? बिकॉज कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लो और ये सब करने की अभी जरूरत नहीं है. तो ये कैसे कन्विंस करें बच्चे अपने पेरेंट्स को कि हमें भी ये करना है, हमारी भी ये तमन्ना है? तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स बन के बात करो कि ये मेरा मन है करने के लिए. और फिर जब आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे और कहेंगे अच्छा, एंड दे विल सपोर्ट योर ड्रीम्स. सो अगर फॉर इंस्टेंस आप किसी भी स्पोर्ट में जाना चाहते हो, देखो अगर एक्टिविटी रखोगे, सारा टाइम फोन पे नहीं रहोगे और बाहर जाके खेलोगे, तो उससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी और फिजिकली आप फिट होगे और भी चीजें करने के लिए. तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी टीचर्स को भी बुला करो जाके स्कूल में कि हमको कैंप्स पे लेके जाओ, हमें छोटे छोटे ट्रैक्स पे लेके जाओ, हमें पिकनिक्स के लिए लेके जाओ. क्योंकि जब हम खाली घर में ही बैठेंगे तो हमारी एक्टिविटी फिजिकल इतनी नहीं होती और उससे माइंड इतना ब्राइट नहीं होता. और ट्रैवलिंग से आपका माइंड बहुत ब्राइट होता है. चाहे छोटी छोटी चीजें करो और अपने पेरेंट्स को बोला करो कि हमको ऐसी ऐसी जगह पे नेचर में लेके जाओ, तो नेचर में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो. आजकल स्कूल्स ट्रैकिंग पे बहुत लेके जाते हैं, ये कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया है, बट अदरवाइज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग फॉर ट्रैक्स फ्रॉम स्कूल्स. हैव इट हैज द ट्रैकिंग स्टार्टेड बैक इन योर स्कूल्स नाउ? चिल्ड्रन, हैव यू स्टार्टेड गोइंग आउटडोर्स ऑल ऑफ यू? शुड बी. यस. All right. So, sit down and read about the seven peaks that ma'am has told you about. Sangeeta ji, when did you start your quest to climb the seven summits, and when all did you do it? That you mentioned you went to Mount Kilimanjaro first at the age of 47. उसके बाद आपने क्या-क्या किया और कौन से peaks climb किए ma'am? अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि अगर कुछ भी कोशिश करनी है तो उसके लिए आपको प्रेपरेशन करनी है. प्रेपरेशन बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते. तो किलिमंजारो को प्रेपरेशन करने में नियरली 5 months लगे थे, क्योंकि उसमें कार्डियो फिटनेस चाहिए थी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए थी, जिम जाना था. और वो करने के बाद जब समिट वो कर ली, वापस आए, तो जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप रुक नहीं सकते. आप उसमें हमेशा सोचते हो कि आज मैं क्या करूं अपनी बॉडी को ज्यादा एक्टिव करने के लिए. और बॉडी को एक्टिव करने के लिए आपको क्या चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी. पर उससे पहले आपको ये देखना है कि आप बॉडी में डाल क्या रहे हो. इसलिए ईटिंग इज वेरी प्रॉपर. आप नो जंक फूड, नो स्लीपिंग लेट एंड ईटिंग द राइट थिंग्स. पानी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या होता है कि आपकी जो फ्रेशनेस है बॉडी की वो कायम रहती है एंड यू डोंट गेट एनी डिजीजेस आल्सो. और कोविड से भी बच सकते हो अगर पानी पीते रहोगे. तो फिजिकली, न्यूट्रिशन वाइज एंड मेंटली, सबसे चीज
देखो आप एक सोचो, एक आपके दिमाग में कोई बात आती है, आप उसको एक पेपर लो और उस पर लिख लो कि ये मुझे करना है। जैसे अगर आपको होमवर्क करना है, आप बोलो स्कूल से आके कि मुझे होमवर्क अपना पहले खत्म करना है, देन आई विल गो आउट एंड प्ले। एंड टीवी जो है, टीवी बहुत कम पोर्शन में आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो खाली आप देखते हो, आप इंटरैक्ट नहीं करते। जैसे अभी हम इंटरैक्ट करें, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाओ जिसमें आप नॉलेज को शेयर करो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी वाइड होएगा, आप सुनोगे, आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मेरी सो एंड सो फ्रेंड इस जगह पे गई है, उस जगह पे, सो आपकी जो माइंड है वो बढ़ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, यू मस्ट रीड। तो जब मैं किलिमंजारो के बाद भी मैंने शुरू किया कि 7 समिट्स करनी है, तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। इस पीक पे चढ़ना है, मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन से कपड़े पहनने पड़ेंगे, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उस ट्रेनिंग के लिए आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 6 days a week, एक दिन छुट्टी। इसलिए हमको कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो किलिमंजारो के बाद मैं ट्रेनिंग के लिए लद्दाख गई। लद्दाख इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,500 feet। जब एयरप्लेन लैंड करता है तो ऑल्टीट्यूड पे करता है, और ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए आपको 2 दिन बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कंफर्टेबल नहीं है एकदम ऑल्टीट्यूड पे जाके चलने लग जाओ, नहीं तो चक्कर आते हैं। और वहाँ एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने के लिए वॉक और ट्रैक, वहाँ जाके मैंने क्लाइंब करी पीक एक हफ्ता लगा के, एंड फिर वापस आके मैंने माउंट एल्ब्रस किया, यूरोप गई। उसके बाद वापस आई, फिर मैं नेपाल गई, वहाँ पर माउंट लोबिचे किया। उसके बाद मैंने ऐसे अगला साल हो गया, फिर माउंट विंसन पे गई एंटार्क्टिका में। और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो जो कॉन्टिनेंट है वो फ्रोजन है, आइस पे है कम्प्लीटली, और वहाँ पर जो प्लेन भी है वो भी आइस पे लैंड होता है। तो ऐसी चीज़ें तो जैसे मूवीज में दिखती है ना, वो बिल्कुल मूवी जैसा था। और उसके बाद बहुत मज़ा आया, वहाँ पर 9 days में ऊपर माउंटेन पे चढ़ के वापस आए और उसी प्लेन से वापस आए। एंड वापस आके ट्रेनिंग मेरी शुरू रही। और मैं रोकना चाहूंगी यहाँ आपको, आपने कहा आइस पे प्लेन लैंड करता है तो और उसी प्लेन में आप वापस आई, ऐसा आपने कहा, तो क्या 9 days वो प्लेन वही रुका रहा या आपके संग और लोग गए थे? बहुत सारे लोग जाते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वहाँ पर एक बेस कैंप है, एंड उस बेस कैंप बिल्कुल जैसे स्पेस स्टेशन होता है, आपने स्पेस मूवीज देखी होंगी, स्पेस स्टेशन जैसा है। वहाँ पर टेंट्स में गरम गरम खाना भी मिलता है, लोग वहाँ पर बिल्कुल एक सीजन के लिए आते हैं, 2-3 महीने के लिए आते हैं। और उसमें उस प्लेन में इट्स लाइक अ कार्गो प्लेन, उसमें ज़्यादा जैसे हमारे को विंडोज होती है ना प्लेन में, सब जाते हैं प्लेन में, जाते हो ना सब, तो वो वाला जो प्लेन है वो एक ओल्ड रशियन प्लेन है जिसमें विंडोज खाली 4 windows हैं खाली, और बाकी सारे जैसे कार्गो प्लेन होता है खाली सीट्स होती हैं और सामान रखने की जगह होती है, वो भी एक मूवी जैसा ही लगता है। आप उसमें जाओगे तो आपको लगेगा ये कौन सा प्लेन है। इस प्लेन का नाम यू कैन ऑल्सो गूगल, इट्स कॉल्ड द इल्यूशन, and it's a very old plane, that is the only plane that has been landing on the glacier, the blue glacier in Vinson. And jab hum wo karte hain, because it is so expensive to run those planes, wo drop karke na wo plane chala jata hai wapas, and then it comes back. Jaise wahan par koi climb karne aaya hai to fir wo plane khali nahi jata, jinhone climb kar liya unko wapas le jata hai, and then he brings another lot. एंड ऐसे ही वो चलता रहता है। तो विंसन करने के बाद मैं वापस आई और फिर साउथ अमेरिका किया। साउथ अमेरिका के बीच में आके मैंने एक बार दिनाली, जो नॉर्थ अमेरिका की पीक है, वो मैंने क्लाइम मतलब अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ पर मुझे चोट लग गई, और वो जो चोट लगी थी उसमें मेरी नी इंजरी हुई। 16,000 feet पे
मुझे बहुत चोट लग गई, मैं आगे क्लाइम नहीं कर सकी और मुझे नीचे उनको लाना पड़ा। और जो माउंट विंसन है, इट इज सॉरी माउंट डेनाली है, इट इज क्लोज टू द आर्कटिक। अगर आप देखोगे, अलास्का इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड वहां पर ये माउंटेन है और बहुत बहुत ज्यादा ठंड है और वहां पर बहुत कम लोग समिट करते हैं क्योंकि एक तो ग्लेशियर्स और क्रेविसेस हैं जिसमें आप गिर सकते हो और ब्लू आइस है, उसमें आपको बहुत टेक्निकल स्किल्स चाहिए चढ़ने के लिए। रॉक्स भी हैं और एक एज होती है, रिज होती है जिसमें दोनों साइड पे 10,000 फीट का ड्रॉप है, तो आपको बहुत केयरफुल होना होता है। तो वही मैं वहां से रिज से आ रही थी, तो 16,000 फीट से नीचे आने के टाइम पे मेरा पाँव एक स्नो में फंस गया और वो फंसने से मेरा नी, राइट नी क्रैक हो गई और मेरे को बहुत चोट लगी और फिर मुझे इंडिया आना पड़ा वापस बिना समिट के बिना। और आके मेरा नी ऑपरेशन हुआ और नी ऑपरेशन के 6 मंथ्स के बाद मैंने जाके एक और माउंटेन क्लाइंब किया। सो बात यह है कि कुछ भी अगर माइंड में अगर आप सोच लो तो आप कर सकते हो, बट डू नॉट गिव अप। इफ यू विल गिव अप तो कभी भी काम नहीं होगा, इसलिए गिविंग अप इज नेवर एन ऑप्शन। और वो करने के बाद फिर मैंने एक और माउंटेन क्लाइंब किया, ट्रेनिंग दोबारा शुरू की एंड वो नी इंजरी के बाद ही 2-3 साल के बाद मैंने फिर एवरेस्ट क्लाइंब किया, उस नी इंजरी के बाद ही। तो लोग वैसे जब भी कोई इंजरी होती है या तो वो गिव अप कर देते हैं या उनका माइंड हट जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट के मेरे आसपास सपोर्ट फ्रेंड्स का बहुत था, फैमिली का था, और ये बहुत जरूरी है आप सब बच्चों के लिए भी कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के साथ बुरी तरह ना बोलें, कर्टेसी विद प्लीज एंड थैंक यू आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। और मेरे फ्रेंड्स अभी भी हैं, अभी मैं रिसेंटली बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो 34 ईयर्स से मुझे जानती है और वो अभी आई थी मेरे पास रहने आई थी और हमारी फ्रेंडशिप अभी भी वैसी है जैसे फ्रेश रोजेज होते हैं, स्मेल्स गुड। संगीता जी, आपके घर में आपके हस्बैंड ने आपको पूरा सपोर्ट दिया, वो खुद ही माउंटेनियर हैं और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। एक आम आदमी या कैसे इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंब कर सके, उसके लिए उसको जाहिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या ऐसी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगर बच्चे वहाँ क्लाइंब करना चाहें? व्हाट इज द वे आउट फॉर चिल्ड्रन हु वांट टू मेक अ करियर इन माउंटेनियरिंग बट आर अनएबल टू डू सो? व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट परहैप्स कैन एड देम टू डू दिस एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स? ओके, सो सबसे बड़ी बात है टू गेट एनीवेयर इन लाइफ यू हैव टू बी द बेस्ट। अब आप देखो कि देर आर मेनी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री बट दे कैन नॉट प्रोवाइड द होल अमाउंट बट दे कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप टू लर्न द कोर्स। देर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग, देर इज जवाहर माउंटेनियरिंग इन कश्मीर। These people support the winners or people who are competing, but they become the best by doing things. And the government organizing, you have to keep becoming the best. And you mentioned these institutes, Sangeeta ji. So what is the training period here and what is the kind of fee structure? Any idea if it's, you know, affordable? I think the fee structure, I'm not so sure. जब मैंने शुरू किया था तो एज वॉज अ बैरियर फॉर मी इन देम एक्सेप्टिंग मी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अबव 40। तो फॉर द यंग वंस नाउ थ्रू द स्कूल्स दे कैन कनेक्ट विद द इंस्टीट्यूट्स एंड से कि यू नो हम लोग इतना बड़ा बैच एक भेज रहे हैं, तो आई एम श्योर दे गिव अ फेयरली रीजनेबल रेट फॉर किड्स हु वॉन्ट टू लर्न। अब
I was climbing with Purna, the youngest Indian girl who climbed Everest. She climbed at 13 and a half. And imagine, children, just hear this. What's her full name, ma'am? Please repeat. She climbed at 13 and a half. A lot of you would be that age. Yeah, and she came from a background jahan par uske parents literate bhi nahi hai. And by the way, aap sab bachche wo movie dekh sakte hain. Purna is, there's a movie also. And she and I were climbing together in Denali jab main dobara gayi hu North America. I still have not summited, by the way. I'm not giving up. But hum log tent share kar rahe the, to main uski kahani sun rahi thi ke how she was very good in school. And किसी ने उसको नोटिस किया और बोला कि तुम इतनी एक्टिव हो, यू लर्न सम रॉक क्लाइंबिंग. तो somebody supported her and started training her. और देखो वो ट्रेनिंग से क्या हुआ, because she got noticed and then they sent her to Everest to climb. And उसने इंडिया का you know status इतना raise कर दिया, she is the youngest Indian that climbed Everest. And अब वो कोई भी जगह पे जाती है, आपको मैं ये भी बता दूं, तो हम लोग उसमें बैठते थे टेंट में, मैं उसकी कहानियां सुनती थी. एंड शी इज अ वेरी फन लविंग गर्ल, गाना भी गाती है माउंटेन्स पे, वो गाना भी गाती थी. एंड उसको यूनाइटेड नेशंस ने दे सेंट हर फॉर अ ईयर टू स्टडी इन यूएस. इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है बच्चों, देखो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. यू हैव टू प्रूव योर बेस्ट एंड आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. रीडिंग तो हर रोज, मेक इट अ प्लान टू रीड 10 पेजेस ऑफ अ बुक एवरी डे. और उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जो कॉन्वर्सेशनल स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, पीपल विल फाइंड यू इंटरेस्टिंग एंड यू विल लर्न सो मच एंड यू विल वॉन्ट टू ट्रेवल. तो डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़िए. संगीता जी, यहाँ बहुत जरूरी है इस बारे में बात करना कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था माउंट एवरेस्ट के लिए, वहां आप सक्सेस नहीं पा सकी. यू फेल्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट दैट डिड नॉट डिटर यू फ्रॉम क्लाइंबिंग इट वंस अगेन. हाँ बच्चों, तो मैम अपनी ये कहानी बताएंगी माउंट एवरेस्ट की, जहाँ उन्होंने तिरंगा लहराया. ओके, सो माउंट एवरेस्ट मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, इट वाज इन 2013 में मैंने पहली बार देखा. फर्स्ट टाइम मैं गई एवरेस्ट बेस कैंप, और जब आप एवरेस्ट बेस कैंप जाते हो, इट इज अ 14 डे ट्रैक. और मैं वहां पर ट्रेनिंग भी करने गई थी, देयर इज अ पीक कॉल्ड द आइलैंड पीक. तो मैंने सोचा कि एवरेस्ट बेस कैंप भी कर लेती हूँ और एक पीक भी करती हूँ, क्योंकि आई वाज ट्रेनिंग फॉर अदर माउंटेन्स. एंड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड काला पत्थर. काला पत्थर के आप जब एवरेस्ट बेस कैंप से थोड़ा सा पहले, वन स्टॉप पहले, काला पत्थर एक हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर. और वहां शाम को या अर्ली मॉर्निंग आप जब वो पीक उसके टॉप पे पहुंचते हो, वहां से आपको एवरेस्ट सबसे क्लियर दिखता है. तो मैंने वो माउंटेन का फर्स्ट जो झलक है अच्छी तरह सनसेट के टाइम पे देखा. वो माउंटेन के ऊपर रेड कलर की ह्यूज थी जो सन की पड़ रही थी, और दैट माउंटेन लुक सो ब्यूटीफुल. और उस वक्त मेरा, और बहुत दूर था वो, इतना दूर लग रहा था, और फिर मेरा उस वक्त मन करा कि ये एक दिन मुझे ये माउंटेन चढ़ना है. बट दैट वॉज इन 2013. और 2017 में तक, मैं 2017 तक जब ट्रेनिंग करते रही, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरा ये ड्रीम हर रोज मैं सुबह उठ के लिखती थी कि आई हैव टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. तो जो आप अपने आप को मन में कहते हो वो आप करोगे जब आप हर रोज उसके बारे में सोचोगे. तो 2017 में मैं सबसे पहले गई, और वहां पर अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है. हम एवरेस्ट बेस कैंप करते हैं, और बेस कैंप में हमारा घर बन जाता है. वहां पर हम वन एंड हाफ मंथ के लिए हमारा वो घर बन जाता है, और उस घर से हम जाते हैं थ्रू द खुम्बू आइसफॉल. खुम्बू आइसफॉल इज द मोस्ट डेंजरस आइसफॉल इन द वर्ल्ड. वहां पर आपने स्कूल में पढ़ा होगा स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेगमाइट्स, जिसमें स्नो ऐसे हैंगिंग होती है, बट दिस इज रियल पीक्स जिसके बड़े बड़े आइसिकल्स होते हैं हर जगह, ना आपको उस रास्ते से मनूवर करके कैंप वन तक जाता है. नाउ
Everest base camp is nearly 18,000 feet, and आप सबसे पहले जाते हो कैंप वन पे विच इज 19,500 फीट, और उसको पहुंचने में जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो आपको पहुंचने में 10 आवर्स लग जाते हैं, और हम सारी क्लाइंबिंग करते हैं रात को और उस वापस आओ। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप होता है जिसमें हम अपनी ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था लद्दाख में जब हम ऑल्टीट्यूड करते हैं हम अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे, because as a general rule we are not supposed to be on that high altitude. फिर हम वापस आ जाते हैं to the base camp, rest करते हैं, recover करते हैं। अब आप में से कभी कोई बीमार होता है आप मदर आपको खाना दे कहती है rest करो recover करो, तो ये भी हम बीमार नहीं होते but we have to look after ourselves. So camp 2 से फिर अगली बार जाओ फिर आप which is at 23,500 feet. और फिर वो मतलब हर कैंप एक वेरियस दूरी दूरी पे है, कैंप वन माउंट एवरेस्ट में कम हाइट पे, कैंप टू से ज्यादा, कैंप थ्री, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग संगीता जी? हाँ, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम कोई भी चीज एक टाइम पे नहीं पहुंच सकते। आप अगर आप सीढ़ी को देखोगे, सीढ़ी से अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे आप 20 स्टेप पे एकदम नहीं पहुंच जाओगे, देयर इज टू मच ऑफ डिस्टेंस। Mount Everest is also like that. So 17 में जब 2000 जब camp 3 तक पहुंची थी, I became very sick and I could not breathe. My oxygen level बहुत low हो गया and fever भी हो गया. तो I had to come back because आपने वापस भी तो alive आना है. इसलिए I came back. वो decision लिया गया कि आगे नहीं जा सकती बिकॉज बॉडी वॉज नॉट गिविंग माई साथ। एंड वापस आने के बाद जब मैं वापस आई हूँ तब मैंने माइंड में और भी इतना बड़ा एक प्लेज लिया कि मुझे अपने आप को ज़्यादा अपना ख्याल ज़्यादा रखना है, ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, उससे भी ज़्यादा करनी है ट्रेनिंग, और खाना पीना अच्छी तरह है, रात को नो पार्टीज, मैं किसी के से नहीं मिलती थी, वन ईयर आई डिड नॉट मीट एनीवन। जल्दी सोती थी, जल्दी उठती थी, टू टू थ्री आवर्स ट्रेनिंग एवरी डे, और वीकेंड्स में आई यूज्ड टू समटाइम्स ट्रेन फॉर 5 आवर्स। और ये करने के बाद जब मैं 18 में गई, आई डिड ऑल दोज कैंप्स, आई वाज वेरी हैप्पी पर्सन इनसाइड, और मैं बुक्स भी पढ़ती थी कैंप में, मेडिटेशन भी करती थी, सॉफ्ट म्यूजिक भी सुनती थी, और मैं खुश रहती थी। तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप खुश रहोगे ना सब चीजें धीरे धीरे होती जाएगी। और फिर सो जो मेरा लास्ट लॉट था जिसमें मैंने आपको बताया हम ऐसे ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं, जो थर्ड वाला आता है उसको कहते हैं समिट रोटेशन। उसमें आप जाते हो और फिर कैंप टू से आप ऑक्सीजन पहन लेते हो क्योंकि नीड ऑक्सीजन एज यू गो अप हायर, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सो यू कैन नॉट ब्रीथ and still climb. And जो मेरा summit rotation था उसमें मैं बहुत खुश थी, जब oxygen पहना उसका भी बहुत भार था, पर because training की हुई थी, preparation की हुई थी, so it was not difficult so much. जिन लोगों ने preparation नहीं की थी वो नहीं पहुंचे, लेकिन ये धीरे 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 करते जो last camp है आप जाते हो कैंप 3 से कैंप 4, उसको साउथ कॉल कहते हैं। साउथ कॉल इज लाइक अ फुटबॉल फील्ड, इतना खुला सा है, बट इट इज 26,500 फीट। एंड डज एनीवन नो हाउ हाई इज माउंट एवरेस्ट, किसी को पता है? समवन टेलिंग अस, 8849 मीटर। या सो इट्स सो इट्स So it's 29,035 feet. So 29,000 feet पे तो planes चलते हैं ना। तो camp 4 में पहुंचने के बाद आप ज्यादा देर नहीं रुकते वहां, क्योंकि आपका 24,000 के बाद आपका death zone शुरू हो जाता है। उसका मतलब है कि a human being is not supposed to be there. So then from camp 4, I started at 7 o'clock in the evening. The stars were shining. The God was telling me, today is your day. I was a happy person. I started walking dhire dhire dhire
12 and a half hours later, I summited the peak at 7 o'clock in the morning. Sari raat chalti rahi. 7 o'clock, 7:10 to be exact. I raised the Indian flag, feeling very proud. And we should always feel proud of something that we are doing after training and preparation. Aur wahan pahunch ke sabse jyada feeling ye thi ke God is with me. You cannot do things without God's support, with people's support, with your family support. And most of all, agar aap positive rahoge to aap kuch bhi kar sakte ho. Acha abhi khali upar pahunchna hi nahi tha, niche bhi aana tha. Kyunki wahan uske baad to rasta hi khatam tha. 29,035 feet ke baad aage koi rasta hi nahi hai. Fir wahan se dheere dheere, it took me 8.5 hours to come down to camp 4. It took me another 8 hours to come to camp 3. आप जब camp 4 में आए वापस तब वहाँ rest किया होगा obviously. Only 2 hours. I had some noodles over there by the way. खाली थोड़े से मैगी noodles मैं घर से लेके गई थी. मेरे शेरपा ने बना के दिए. वो थोड़ा से खाए, पानी पिया और गर्म पानी पिया और फिर हम नीचे. Another 8 hours to camp 3. And then another 4 hours to camp 2. वहाँ पर आके मैं I slept for 16 hours. Camp 2 में सोने के बाद फिर उस एक रात सोने के बाद I came to the base camp. जब उतरना होता है तो फिर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, चढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है. Because when you're coming down, your oxygen level also increases. And camp 2 के बाद तो I did not need the oxygen. And when you wear the oxygen and you go up to the mountain, तो आप space person लगते हो, space man या space woman जा रहे हैं ऐसे करके. But it's interesting. But COVID के time में आदतें हो गई हैं लोगों को mask पहनने की, तो oxygen के लिए अब उतनी दिक्कत नहीं होगी, ने मुंह पे भी mask लगाना पड़े तो. I think so. मैम संगीता जी आपसे ये जानना चाहूँगी, अब आप क्या करना चाहती हैं, क्योंकि you're not going to give up. I know you have that determination. तो आप अब क्या तैयारी कर रही हैं अपनी लाइफ में, इस एज पे भी आप इतनी लोगों के इंस्पिरेशन बनी हुई हैं. You are inspiring millions in India, and I'm so happy that so many children are here with us and listening to you today. So, COVID ki time to aapko pata hai, the mountains were also closed. Only this year and last year there were some summits, and the season has opened for mountains. Abhi at the moment, at this time, I am just going to Everest Base Camp again in October. मेरे साथ जो भी लोग जा रहे हैं, they are all 50 plus. There are 3-4 men who are 57-58 and they are going with me. And this is what I'm encouraging people to become more active. And the other thing that is happening right now is 3 months back, मैंने सोचा कि माउंटेन तो हो नहीं रहा, तो कुछ तो करना है. So I started to learn how to swim. मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, तो आई स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू स्विम. एंड नाउ इन व्हाट इज टुडे 14th, इन 1 week आई एम डूइंग अ ट्रायथलॉन, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. टुमारो 3:55 वी वांट यू हियर विद अस. एनी क्वेश्चंस टू आवर very honorable guest today? Anybody wants to ask a question? I'm sure all of you will aspire to be mountaineers and well, happy mountain climbing on this special Independence Day. Can you tell me if you have any questions you can ask her? Otherwise, Prasadji will send your certificates to all of you. And we are so grateful to all these new schools who've joined. Any questions anyone want to ask? Please go ahead. I want to ask a question. Yes, please. Sangeeta ji, we can have your video here. Sangeeta ma'am, that at which age she climbed first mountain? I'm 47. And the mountain was Mount Kilimanjaro? Yeah. Okay. And ma'am, South Africa. Last mountain you climbed? Last mountain I attempted Denali again, North America in 2019. But uske baad since 19 I haven't gone back to the mountain because 20 mein COVID ho gaya tha,
और उसके बाद तो मैं अब नेक्स्ट ईयर जाऊंगी. आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट माय सेवेंथ माउंटेन अगेन बिकॉज दैट इज स्टिल नॉट कंप्लीट. सो आई एम नॉट गिविंग अप. संगीता जी, टेल अस अबाउट योर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एक बार वो भी हम सुनना चाहेंगे सब लोग. आपने 22 साल की ब्रेक के बाद भी शुरू किया था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बता दीजिए. एंड सक्सेस मंत्रा क्या है आपका साथ साथ? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि देयर इज नो इंडियन इन द वर्ल्ड अ वुमन एट 53 हु हैज क्लाइम्ड एवरेस्ट. सो आई होल्ड दैट रिकॉर्ड एंड आई एम नॉट गिविंग अप एंड सेइंग कि अभी खत्म हो गया. I will be the oldest Indian woman to climb the seven summits also. ये भी मुझे पता है, मैं कर लूंगी, जाती रहूंगी जब तक नहीं होगा. So my biggest mantra is कि failure teaches you lot of things. उससे सीखो और don't give up. जब आप give up नहीं करोगे तो आपको success पक्का मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही. इसलिए don't give up, कोई भी age हो जाए. यही message है आप सभी बच्चों के लिए. Very very happy Independence Day to you. जय हिंद एंड जय हिंद सीरीज के लिए कल जरूर हमारे साथ जुड़िएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन जॉइन अस एट 3:55 टुमारो. ऑन दैट नोट आई लाइक टू थैंक आवर गेस्ट संगीता बहल फॉर जॉइनिंग अस एट स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द सीईओ श्रीनिवास जी एंड वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. हर घर तिरंगा, भारत की शान तिरंगा, इंडिया की शान तिरंगा. तिरंगा लहराइए, खुश रहिए. और आप सभी को आज बहुत अच्छी जानकारी संगीता बहल जी ने दी है माउंटेनियरिंग के बारे में. आप भी पढ़िए, जैसे मैम ने कहा है, किताबें पढ़िए माउंटेन्स के बारे में, क्या है वो सेवन समिट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज दी गई है. वी होप यू गो बैक मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन एंड टेल योर स्कूल चिल्ड्रन टू ज्वाइन टुमारो. यू ऑल्सो ज्वाइन प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ श्रीनिवास जी वंस अगेन एंड द एंटायर टीम ऑफ स्कूल्स and especially Prasad ji who's always there with us to help us through these sessions. Thank you so much for joining us. On that note, many thanks for watching. Namaskar.